जितने भी पुजारी विजारी हैं ये सब दवाइयाँ हाँ ये दवाइयाँ उसको दे दीजिएगा, उसकी चार चार गोली दिन में तीन बार खा लेंगे, ठीक है। ये दवाई जब खत्म हो जाएगी उसके बाद दूसरी शुरू कर दीजिएगा। अगर किसी में लक्षण कोई कोरोना चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा। हमारे यहाँ पंखी मंदिर में डॉक्टर साहब की दवाई मैं अगली बार भी लेके गया था और इस बार भी गई, एक भी शख्स को कोरोना की कोई शिकायत नहीं आई है। और इस दवाई को मैंने बाहर भी भेजे हैं, जिन जिन लोगों को ये दवाई अगली साल में और इस साल में दी है तो उनमें से एक में भी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। करीबन 200 लोगों को मेरे दवाई से सही हुए हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब की मेहनत ऐसा रंग ला रही है कि कोरोना से सबको बचा रहे हैं। कैसे ये पनकी से हमारे यहाँ जो है जितेंद्र दास जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, ये जब पीछे डेंगू हुआ था उसके साथ पिछली बार जब कोरोना महामारी आई थी तब भी महाराज जी साधु संतों के लिए ले गए थे बनारस इलाहाबाद मथुरा से अनेकों साधु संत जो है हनुमान महायज्ञ के दौरान आए थे वहाँ पर। तो इस होम्योपैथी दवाई से इम्यूनिटी लेवल इतना हाई हो गया था कि जितने भी संत वगैरह आए थे उनको कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं उतरे थे। और महाराज जी बीच में महाकालेश्वर मंदिर भी गए थे, अन्य तीर्थ स्थान भी गए थे, हरिद्वार कुंभ भी गए थे, हरिद्वार कुंभ भी गए थे, तो वहाँ भी अनेकों साधु संतों के लिए दवाई को लेके गए थे। और महाराज जी बता रहे हैं कि किसी में कोई भी लक्षण नहीं आए थे, हालांकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। और महाराज जी फिर इस दवाइयों को लेने के लिए अनेकों साधु संतों के लिए मंदिर के लिए आए हैं। हम लोग इनको फिर से दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों ने कह दिया जब तक कोरोना महामारी नहीं चली जाती तब साधु संतों का निःशुल्क उपचार आरोग्य धाम वाराणसी की तरफ से चलेगा। ये जो है हमने भारतवर्ष के कई राज्यों में ये दवाई भेजी है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में गई है, आपके नासिक में लक्ष्मीनारायण मंदिर आदि कई जगह पर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर आदि इतने लोगों को हमने दी। अभी तक 200 लोगों को मैंने ये दवाई पहुंचाई है। इस दवाई से उन 200 में एक भी कोई कोरोना की शिकायत नहीं है।